की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे बीच प्रतिभागी के रूप में है चंदा। चंदा स्वागत है आपका। चंदा के साथ हम हैं इतिहास में महाजनपद काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वो ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चंदा शुरुआत करते हैं महाजनपद काल से। महाजनपद काल तो जैसा कि हम जानते हैं छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में महाजनपद काल की शुरुआत मानी जाती है। तो उस दौरान 16 महाजनपदों का विकास हुआ और इन्हीं 16 महाजनपदों में कौन कहाँ स्थित था, किस प्रकार की उसकी उसका महत्व कैसे थे, इसके साथ हम आपके बीच में हैं। पहला सवाल आपसे है, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे भारत का जो 16 महाजनपद था उसमें से केवल एक महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, वो कौन सा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण भारत में अवस्थित था? वज्जी, कंबोज, अस्मक, सूरसेन। अस्मक इज द राइट आंसर। वर्तमान में जो हम इलाहाबाद और मिर्जापुर का क्षेत्र देखते हैं, मिर्जापुर और इलाहाबाद का जो क्षेत्र अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं वह महाजनपद काल के किस महाजनपद का हिस्सा था? ऑप्शन है आपके लिए, वत्स, कुरु, पंचाल, गंधार। वत्स का हिस्सा था अभी जो इलाहाबाद और मिर्जापुर है वो। बिल्कुल सही उत्तर है, वर्तमान इलाहाबाद और मिर्जापुर पूर्व का महाजनपद में वत्स का था। अगला सवाल है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, हम लोग जानते हैं पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है, इसमें उन्होंने कितने जनपदों का वर्णन किया है? पाणिनि के अष्टाध्याय में कितने जनपदों का वर्णन है? ऑप्शन है आपके लिए 16, 22, 20 और 15। 22। पाणिनि ने 22 जनपदों का जिक्र किया है अष्टाध्याय में, करेक्ट आंसर है। मैं कुछ कथन बोलने जा रहा हूं आपके समक्ष, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या फिर इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। पहला, जैन साहित्य है भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, यानी जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है, और बौद्ध साहित्य ही है एक महावस्तु जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है। अर्थात जैन साहित्य भगवती सूत्र, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, केवल एक, दूसरा केवल दो और तीन, तीसरा सभी एक दो तीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। सभी एक दो तीन। सभी एक दो तीन अर्थात कि भगवती सूत्र जो जैन साहित्य है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपद का उल्लेख है, और भगवती सूत्र जो बौद्ध साहित्य है इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ऋग वेद में, हमारा सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद, उसमें कितनी बार जनपद शब्द मिलता है, कितनी बार जनपद शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन 275, बी 13, सी 170, डी एक बार भी नहीं। एक बार भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, अर्थात कि महाजनपद काल ऋग्वेद के ऋग्वैदिक काल जो था उसके बाद से शायद शुरू हुआ होगा, इसलिए ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। उपनिषदों की रचना किस जनपद में की गई थी? काशी, कौशल, कुरु, पंचाल। पंचाल को ज्ञान और विज्ञान का केंद्र भी समझा जाता था और पंचाल में उपनिषद की रचना शुरू की गई थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। शतपथ ब्राह्मण में 5 जनपदों की चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण की ये 5 जनपद मैं नाम बोला उसके अनुसार, पंचाल, कैकई, कुरु, काशी, कौशल, पहला विकल्प। दूसरा, कौशल, विदेह, पंचाल, काशी, कुरु, तीसरा विकल्प, कौशल, काशी, विदेह, पंचाल, कैकई, चौथा विदेह, पंचाल, कुरु, काशी, कैकई। ऑप्शन ए, पंचाल, कुरु, कैकई, काशी, कौशल। काशी, कौशल, यानी शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है पंचाल के बाद 4 गो के का, पी फॉर पंचाल,
के फॉर केकई, के फॉर कुरु, के फॉर काशी, के फॉर कौशल, सही उत्तर है। अब आपको मैं कुछ अभी जो वर्तमान क्षेत्र है ये मैं बताऊंगा और आपको उसका महाजनपद जो पहले था उसके अनुसार वो किस महाजनपद में था इसको आपको बताना है। बुंदेलखंड, चेदी, नहीं जो वर्तमान का बुंदेलखंड है कभी के चेदी महाजनपद में था वही आपको अगला बताना है। वाराणसी, काशी, मुंगेर, अंग, पटना, मगध, बिल्कुल शुरू कर दिया है आपने। पटना मगध में, मुंगेर अंग में, वाराणसी काशी में और बुंदेलखंड चेदी में। अगला सवाल आपसे है, निम्न में किस पूर्व महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो पूर्वी क्षेत्र है वह किस महाजनपद का हिस्सा था? कंबोज, गंधार, अश्मत, सुरसेन। गंधार का हिस्सा था, करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, एक बहुत बड़ी रचना है स्वप्न वासवदत्तम, स्वप्न वासवदत्तम का नायक उदयनभास किस महाजनपद का शासक था? गौरतलब हो वासवदत्ता और उदयनभास की प्रेम प्रसंग के ऊपर ये किताब लिखी गई है स्वप्न वासवदत्तम। उसका जो नायक है उदयनभास वह किस महाजनपद का शासक था? मल का, चेदी का, वत्स का, कुरु का? वत्स नरेश था, उदयनभास, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आपको बताना है किस महाजनपद के दो क्षेत्र ऐसे थे जिनकी राजधानी क्रमशः कुशावती, कुशीनारा और पावा थी? कुशीनारा और पावा किस महाजनपद की राजधानी थी? दो क्षेत्र में बटा था वह, चेदी, बज्जी, मल, कंबोज, मल की राजधानी थी, सही उत्तर दिया है। और आप शायद इस बात को जानती होंगी कि ये दोनों प्रसिद्ध भी हुआ, दोनों, एक भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कारण और दूसरा महावीर के महापरिनिर्वाण के कारण प्रसिद्ध हुआ। गौरतलब हो कि कुशीनारा में बुद्ध ने और महापावा में महावीर स्वामी ने महापरिनिर्वाण किया। अगला सवाल आपसे है, किस महाजनपद का विस्तार कौशल, वर्तमान में जो भी नेपाल है, नेपाल के दक्षिण में, सई नदी के उत्तर में, पंचाल के पूर्व में और गंडक के पश्चिम में था? गंडक के पश्चिम में, सई नदी के पूर्व में, पंचाल के पूर्व में, सई नदी के उत्तर में और नेपाल के दक्षिण में, निम्न में से कौन सा जनपद विस्तृत था? कौशल, काशी, अंग, वत्स। कौशल विकसित था, यानी उस समय का कौशल का क्षेत्र था, या बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपसे, तिलधक विश्वविद्यालय राजगीर में है, आपको बताना है इसकी स्थापना किसने की थी? अजात शत्रु, निचक्षु, बिंबिसार, महापद्मनंद। बिंबिसार ने की थी, करेक्ट आंसर है। किस विश्वविद्यालय को सनातन धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? काशी, विक्रमशिला, तिलधक, तक्षशिला को सनातन धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, करेक्ट आंसर है। निम्न में कौन पाणिनि के गुरु थे? वर्ष, उपवर्ष, कात्यायन, वैश्य, करेक्ट आंसर है, वैश्य पाणिनि के गुरु थे। गोपाल द्वारा स्थापित उद्वंतपुरी विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी, पाल शासक गोपाल ने, बताना यह है कि वर्तमान में बिहार के किस क्षेत्र में है? उद्वंतपुरी विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना गोपाल ने की वर्तमान में बिहार के किस क्षेत्र में है? नालंदा में, बिहार शरीफ में, नवादा में, गया में? बिहार शरीफ में है, करेक्ट आंसर है। कौन सा विश्वविद्यालय था जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए विश्व प्रसिद्ध था? वल्लभी, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय प्रशासनिक सेवा के लिए प्रसिद्ध था, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वह कौन सा मगध का शासक था जिसने अंग को मगध का अंग बनाने वाला मगध का शासक था? ऑप्शन, उदयन, अजात शत्रु, कालाशोक, बिंबिसार ने अंग को जीता और उसे मगध का अंग बना लिया था, बिल्कुल सही उत्तर दिया है।
जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन उन दिनों एक महाजनपद के नरेश थे। आपको बताना है कि अश्वसेन किस महाजनपद के नरेश थे जिनके पुत्र 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौशल, काशी, अंग, चेदी, काशी नरेश के पुत्र थे अश्वसेन। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मालिनी किस नगर का प्राचीनतम नाम था? निम्न में किस नगर का प्राचीनतम नाम मालिनी था? कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, चंपा, मथुरा। चंपा का पुराना नाम मालिनी था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वर्तमान में जो हरियाणा और दिल्ली का जो क्षेत्र है, बॉर्डर क्षेत्र है, उस पूर्व महाजनपद की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हरियाणा और दिल्ली का जो भी बॉर्डर इलाका है वो किस महाजनपद में पड़ता था? कुरु में, वत्स में, मल में, काशी में? मल में पड़ता था। यानी हरियाणा और दिल्ली का जो भी बॉर्डर इलाका है मल महाजनपद में था। सही उत्तर दिया है। पोतन या पोटली, पोतन या पोटली इसी से विकसित रूप पतन है, और जहाँ समुद्री जहाज और रुकते हैं, समुद्री जहाज का जो अड्डा होता है, जहाँ ठहरा होता है, पतन कहते हैं। पोतन या पोटली एक महाजनपद की राजधानी थी। आपको बताना ये है कि वो कौन सा महाजनपद था जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। ऑप्शन है आपके लिए, शूरसेन, पंचाल, अस्मक, मत्स्य। अस्मक करेक्ट आंसर है। महाभारत कालीन आपने एक शासक सुना होगा, शिशुपाल जी। शिशुपाल जिसकी हत्या भगवान कृष्ण ने की थी। आपको बताना यह है कि वह महाजनपद कालीन किस, महाभारत कालीन शिशुपाल जो था वह किस महाजनपद का शासक था? चेदी, मल, कुरु, वज्जी। चेदी यानी चेदी नरेश शिशुपाल था। करेक्ट आंसर दिया। वज्जी संघ में कुल कितने कुल थे? वज्जी संघ में कितने कुल थे? 4, 6, 7, 8 आठ कुलों में वज्जी संघ विभक्त था। सही उत्तर दिया है आपने। और गौरतलब हो कि वज्जी संघ ने संपूर्ण दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया और लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत वज्जी संघ से ही मानी जाती है। वैशाली को जीतने वाला मगध का शासक कौन था? अजात शत्रु, बिंबिसार, उद्यन, कालाशोक। अजात शत्रु वैशाली को जीतने में सफल रहा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। उत्तर प्रदेश का गोंडा और बहराइच जिला का सीमा स्थित सहित महेत महाजनपद काल में किस नाम से जाना जाता था? सहित महेत को महाजनपद काल में किस नाम से जानते थे? साकेत, श्रावस्ती, अयोध्या, इनमें से कोई? श्रावस्ती के नाम से जानते थे। सही उत्तर दिया है आपने। और अब हम महाजनपद बोलेंगे, उसकी राजधानी आपको बतानी है। चार महाजनपदों की आपको जल्दी जल्दी राजधानी बता देनी है। कम्बोज, हटक ठीक है। कौशल, श्रावस्ती या अयोध्या ठीक है। सूरसेन मथुरा मगध, गिरिब्रज या राजगिरी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। कंस कहाँ का शासक था बताएंगे? ऑप्शन दे कौशल का। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बुद्ध के समकालीन कौशल नरेश प्रसन्नजीत थे। आपको बताना है प्रसन्नजीत किसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी था? ऑप्शन है ब्रह्मदत्त, बिहु, महाकौशल, इनमें से कोई नहीं? महाकौशल का उत्तराधिकारी और पुत्र था प्रसन्नजीत। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। शीलभद्र किस विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे। करेक्ट आंसर है। अब मैं तीन कथन बोलने जा रहा हूं, आप इन तीनों कथन के आधार पर बताएंगे कि कौन सत्य है। पहला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को वज्रयान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। फिर से सुन ले, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को वज्रयान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। वेनसांग प्रथम चीनी यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र भी था और बाद में शिक्षक भी बना। गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर से एक बार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान शाखा का ऑक्सफोर्ड है।
फेन सांग प्रथम चीनी यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र भी रहा और शिक्षक भी हुआ। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। आपको बताना है निम्न में से कौन सही है। ऑप्शन ए पहला, सभी तीनों, दूसरा यानी एक दो तीन तीनों सही है, दूसरा पहला और दूसरा सही है, तीसरा सी पहला और तीसरा सही है, डी दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन ए पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। पहला दूसरा तीसरा दोनों तीनों सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अर्थात की वज्रयान शाखा का ऑक्सफोर्ड विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। वेनसांग पहला चीनी यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्टूडेंट भी रहा और शिक्षक भी, और गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। आपके लिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध नगर कान्यकुब्ज किस महाजनपद में था। कान्यकुब्ज किस महाजनपद में था, कुरु, अंग, मत्स्य, पंचाल। कान्यकुब्ज किस महाजनपद, पंचाल में था, करेक्ट आंसर है। वह कौन सा महाजनपद था जो अपने घोड़ों के लिए, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था इस दुनिया भर में। गंदार, अवंती, कंबोज, पंचाल। कंबोज। कंबोज जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया। अभी हमने पीछे एक बात कही थी कि स्वप्नवास वादतम एक प्रेम प्रसंग पर आधारित पुस्तक है जिसमें उद्यन भास, जिसके संदर्भ में आपने बताया कि वत्स नरेश था, इसकी नायिका थी वासवादता। नायिका वासवदता थी, उसका संबंध किससे, अर्थात वासवदता किस राज्य की राजकुमारी थी, किस महाजनपद की राजकुमारी थी। वत्स की, मल की, वज्जि की, अवंती की। अवंती की। अवंती की, करेक्ट उत्तर दिया है। अब एक सवाल इसी से है, इसी से जुड़ा हुआ, उद्यन और वासवदता के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया गया स्वप्न वासवदतम में, इसके रचनाकार कौन थे। पाणिनि, वास, हर्ष, उपहर्ष। भास। भास, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है, वस्कार किस मगध शासक सम्राट के प्रधानमंत्री थे। अजातशत्रु। अजातशत्रु के प्रधानमंत्री थे वस्कार, करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, वैशाली को जीतने के लिए मगध ने बज्जी के साथ संघर्ष किया, यह संघर्ष कितने वर्षों तक चला। 16 वर्षों तक चला। 16 महाजनपदों में दोनों महान थे और इन दोनों के बीच में संघर्ष भी 16 साल चला, और 16 साल के संघर्ष के बाद बज्जी को जीत पाने में मगध सफल रहा। अगला सवाल है, किन महाजनपदों में लोहे के प्रचुर भंडार थे। मगध और अवंती, कुरु और मगध, मगध और चेदी, इनमें से कोई। मगध और अवंती में थे, करेक्ट आंसर है। है वंश का शासन, है वंश का शासन किस महाजनपद में हुआ था। पंचाल, वज्जी, अवंती, मत्स्य। अवंती द राइट आंसर। अगला सवाल है आपसे, पुष्कर चरित किस महाजनपद का प्रसिद्ध शासक था जिसने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पुष्कर चरित थे, वो किस महाजनपद के शासक थे। पंचाल के, चेदी के, गंधार के, मत्स्य के। गंधार। गंधार शासक थे, करेक्ट आंसर है। एक कुंड था पुष्कल कुंड, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उस कुंड में असाध्य बीमारियों से मुक्ति दिलाने की का गुण मिलता है, अर्थात जो उस कुंड में स्नान करता है उसे असाध्य बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। यह कुंड किस महाजनपद में था, पुष्कल कुंड किस महाजनपद में था। पंचाल में, गंधार में, अवंती में, कंबोज में। गंधार में। गंधार में था, आप सही उत्तर दिए हैं। भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद जब कंस से संघर्ष चल रहा था तो द्वारिका जाकर के बस गए। आपको बताना है द्वारिका किस महाजनपद में था, गंधार, अवंती, कंबोज, पंचाल। कंबोज। कंबोज में था, करेक्ट आंसर दिया है। अगला सवाल है, मत्स्य महाजनपद में वर्तमान का कौन सा क्षेत्र निम्न में से था है जो मत्स्य महाजनपद में आता था। मत्स्य महाजनपद में वर्तमान का कौन सा क्षेत्र आता था, एक में अलवर, दुम्बी में भरतपुर, सी में जयपुर, डी में ऑल। यानी भरतपुर भी, जल अलवर भी और जयपुर भी, अलवर, भरतपुर और जयपुर तीनों मत्स्य में ही आते थे, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। किस महाजनपद में, जिसका जिक्र थोड़ा सा हमने पीछे किया था, किस महाजनपद जनपद में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया। मल में, करेक्ट आंसर है।
वह कौन सी नदी थी जो कौशल को दो भागों में लगभग विभाजित करती थी? ऑप्शन सरयू, यमुना, गोदावरी, गंडक। सरयू दो भागों में कौशल को विभाजित करते थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। शिशुनाग वंश से निम्न में किसका संबंध नहीं था? अनुरुद्ध का, नागदशक का, मुंड का, इनमें से सभी का? इनमें से सभी का करेक्ट आंसर है। अगला है, वज्जी के साथ लड़ाई में रथमूशल और महाशिला कंटक हथियार का प्रयोग किया गया था, इसका प्रयोग करने वाला सम्राट कौन था? मगध सम्राट कौन था? बिंबिसार, उद्यन, अनुरुद्ध, अजातशत्रु? अजातशत्रु। अजातशत्रु करेक्ट आंसर है। मशहूर नृत्यांगना आम्रपाली का संबंध किस महाजनपद से था? वज्जी से, अस्मक से, मत्स्य से, सूरसेन से? वज्जी से यानी नृत्यांगना आम्रपाली का संबंध वज्जी से था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वह कौन सा सम्राट था जो सेना रखने का, अस्थाई सेना रखने का कार्य शुरू किया और जिस कारण से उसका एक नाम उपनाम पड़ा श्रेनिक? अजातशत्रु, उदयभद्र, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं? बिंबिसार। आपने 50 में से 50 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता था। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा आपको।